अंडर रूट टू एम के अपान क्यू बी, जहाँ पे के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मान लो कि भाई पार्टिकल को फेंकोगे तो बिना काइनेटिक एनर्जी के चलेगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी दे देगा, तो आप ऐसे कर लेना। अब बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आखिर चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? क्या हाथ से लेकर इलेक्ट्रॉन को फेंकोगे, पकड़ पाओगे इलेक्ट्रॉन को, तो हाथ से फेंकोगे क्या? क्रिकेट का बॉल समझ लिए हैं, फुटबॉल समझ लिए हैं, इलेक्ट्रॉन को हाथ से तो नहीं फेंक सकते ना। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे चलाओगे? वोल्टेज से चलाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करोगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करोगे, भागेगा इलेक्ट्रॉन, भागेगा चार्ज पार्टिकल, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी आएगा कैसे, कैसे आएगा? वोल्टेज डिफरेंस से आएगा। तो बच्चों, अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू वी कर सकते हैं आप, और के का मान जहाँ पे है वो क्यू वी भी लिखा जा सकता है। अगर वी का मान, मान लो अलग से वी पूछ ही लूँ अब, तो आप लिख सकते हो टू क्यू वी अपान एम लिख सकते हो। क्यों बच्चों? ये लिख सकते हो। अगर आप वी का मान आपसे मैं पूछ ही लूँ, तो वी बराबर आप लिख सकते हो टू अल्फा इंटू असल रेटिंग पोटेंशियल, ये वेलोसिटी आ गया। क्वेश्चन में दे देता है कि 900 वोल्ट पर 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड आया, तो बताओ स्पेसिफिक चार्ज क्या है? कोई कष्ट है? लग जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। अब मैं इस जगह जहाँ पे अंडर रूट टू एम के है, उसी जगह मैं लिखूँगा, या यहाँ लिख दो या वहाँ लिख दो, V का मान जहाँ है वहीं लिख दो यहाँ पे। तो बच्चों लिखूँगा M अपान क्यू बी, और V की जगह अभी अभी जो निकाले हो, क्या निकाले हो? टू अल्फा V माने वोल्टेज। आप इसे लिख सकते हो, फिर से देखो, अभी आप लिखो मत, अभी हम लिखेंगे और आप देखोगे, इसे देखते रहो। आप यहाँ पे फिर लिखोगे P अपान क्यू बी, आप यहाँ पे फिर लिखोगे 2mk अपान क्यू बी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 अल्फ़ा V अपान अल्फ़ा B लिख सकते हो। अब देखो, आपके पास ये इतने तरह से लिखा हुआ चीज़ें आपको दिख रहा है। बच्चों अब अगर चार्ज पार्टिकल को, टीचर ने कहा कि चार्ज पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, अब कैसे प्रोजेक्ट किया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। कैसे प्रोजेक्ट किया? मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है। कैसे प्रोजेक्ट किया? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है। कैसे प्रोजेक्ट किया? वोल्टेज कांस्टेंट हो सकता है। इतने तरह के सवाल बना सकता है, इसके आगे सवाल बनाएगा तो मेंटली डिसेबल होगा और गलत होगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इतना ही आपसे पूछ सकता है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियस किस पे डिपेंड कर गया? स्पेसिफिक चार्ज का इनवर्स, मोर स्पेसिफिक चार्ज लेस रेडियस, ये बात हो गई। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्यू, नॉट डिपेंड ऑन द मास, आर इज नॉट फंक्शन ऑफ मास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या पूछा था IIT के एग्जाम में, लिखा हुआ था कि हीलियम प्लस टू HE प्लस टू, और ऐसे लिखा था, रुको ऐसे नहीं, सॉरी, हीलियम वीलियम नाम नहीं दिया था, वो थ्योरी में कोई पूछा था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि X प्लस टू और Y प्लस टू, ये दो पार्टिकल हैं, दोनों को प्रोजेक्ट किया, दोनों का मोमेंटम सेम है और मास का रेशियो M1 और M2 1 और 2 है, तो बताइए रेडियस किसका ज़्यादा होगा, X प्लस टू का कि Y प्लस टू का? क्योंकि Q बराबर है,
प्लस टू दे दिया, पी बराबर है दे दिया, मास पे डिपेंड करता नहीं, चार्ज पे डिपेंड करता, चार्ज बराबर दे दिया तो रेडियस बराबर हो गया। बच्चों आईआईटी के पेपर में आपको दिखेगा सवाल, दो बार पूछा गया है। अब देखिए दूसरी बात, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, किस पे, एम पर रूट में और क्यू पर इनवर्स। मान लो सवाल में दे दे कि दो पार्टिकल हैं, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, सुन के सोचो कि क्या आप आंसर निकाल पा रहे। सुनते ही सवाल दिया गया कि दो पार्टिकल है, दोनों के मास का रेशियो 1:4 है, चार्ज का रेशियो 1:2 है और सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया तो रेडियस का रेशियो होगा सेम होगा, क्योंकि मैंने क्यू तो 1:2 कर दिया और मास को 1:4 कर दिया, रूट 4 भी 2 हो गया और 2/2 और 1/1 सब बराबर हो गया, इसलिए सेम होगा। पेपर में आएगा तो यही सवाल आएगा, सेम लिख के चले आना, पढ़ लेना, कुछ और दिया होगा तो लगा लेना। बच्चों अब देखो, अगर V कांस्टेंट है तो R किस पे डिपेंड करेगा, 1/α, यही आएगा, ऊपर रूट अल्फा है नीचे अल्फा है तो ये आएगा। अब देखो ये इतने इन्फॉर्मेशन हैं, आप पहले वाले को देखो और आखिरी वाले को देखो, इसमें कन्फ्यूजन होता है थ्योरी में। यहाँ पे भी V कांस्टेंट लिखा है किताब में और यहाँ पर भी V कांस्टेंट लिखा है, लेकिन क्या दोनों भी एक ही है, दोनों भी अलग अलग है, यहाँ का भी वेलासिटी है और वहाँ का भी क्या है, वोल्टेज है। अब इतने सवाल आपसे पूछेगा, इसके अलावा कोई पूछ नहीं सकता, और आपके किताब में जितने क्वेश्चन आए हैं, घर पे जाना खोलना किताब, पूरा एक लाइन से एक लाइन तक सारे इसमें वैल्यू रख लेना, आंसर काम हो जाएगा, यही पूछता है। और बच्चों से क्या पूछेगा, तो बच्चों ये रिजल्ट है, रिजल्ट हमें याद हो गया, पता हो गया, अभी नहीं पता हुआ, लिखो जल्दी से लिखो, तो कोई और बात सिखाएं, ठीक है आराम से लिखो, समझ के लिखो। R 1/α पे डिपेंड करेगा कब, जब बोल्ट कांस्टेंट होगा कि वेलोसिटी, और रूट में 1/α है तो, हाँ इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, और जो पढ़े नहीं रहेंगे तो छोड़ के चले आएंगे, ठीक है, और पढ़े कन्फ्यूजन हो गया तो माइनस का एक इंतजाम करके चले आएंगे, इसलिए पढ़ो और पढ़ने के बाद ध्यान से सीखो कि कहाँ क्या है, सिमिलर बातें कहाँ चल रही हैं। आगे फिर बढ़ा दिया जाए ना, अब इसको हो गया होगा। अब बच्चों एक हमें एक्सपेरिमेंट लेना है और तब आपको न्यूमेरिकल की तरफ ले जाएंगे, अभी आपको सवाल नहीं दे रहा हूँ, अभी हम ही कर रहे हैं, आप सुनते जाएं। अब हमारा काम है कि आयन का मास कैसे निकाला गया। एटम का मास तो आपको मालूम है मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में, आयन का मास लिखा है कोई टेबल में, हाँ बताओ। सोडियम का मास तो आपको आता है, और सोडियम आयन का किसको किसको पता है, सोडियम आयन का मास कोई टेबल में लिखा है, तो आयन का मास हम कैसे निकालें। एटम का मास तो हम निकाल लेंगे, आयन का मास कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। जहाँ मुश्किल होती है वहाँ फिजिक्स आता है, जीवन में मुश्किल हो जाए तो भी फिजिक्स, और किसी सब्जेक्ट में मुश्किल हो जाए तो भी फिजिक्स, सबका तारनहार फिजिक्स ही है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है आयन का मास कैसे निकालेंगे, तो अब आप लिखेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक हेडिंग डालिएगा, एक एक्सपेरिमेंट की बात करने वाला हूँ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब बच्चों बात करना है आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ, कभी कभी यही पूछ लेता है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ का क्या यूज़ है,
यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ है टू डिटरमाइन या टू मेज़र मास ऑफ आयन। दूसरा है यूज टू मेज़र स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन। बच्चों ये है, एक पेपर में सवाल आया था अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जेई मेंस वाला, उसमें लिखा था कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ में अगर डिफ्लेक्शन डबल हो जा रहा है, दूना हो जा रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज कितना टाइम्स हो गया। तो डिफ्लेक्शन देकर स्पेसिफिक चार्ज पूछा था। अब इसका कोई फार्मूला उनको आएगा तभी तो लिख पाएंगे। किसी पेपर में दिया था, कई पेपर हुआ था ना, एक आध पेपर में दिया था, नीट के पेपर में भी ये पूछा जा चुका है कि आयन का मास अगर डिफ्लेक्शन इतना हो जाए तो आयन का मास में चेंज हुआ कितना हो जाएगा। तो ये दोनों दो ही चीज़ पूछता है। अब दोनों को बड़ा आसानी से देखो, बड़ा आराम से हम समझते हैं, निकालने चल रहे हैं। और एक सवाल और पूछा है कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड 900 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया जिससे कि वो सर्कल में नहीं घूम पाया। अब भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सर्कल में घूमेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना। यहाँ तो सर्कल में घूम रहा है और ना तो एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब वहाँ पे दोनों फील्ड है, कौन कौन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है। ये तीसरा सवाल ये भी पूछा गया है। अब तीन तीन सवाल को मैंने एक ही जगह लपेटा है और वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ में दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा लैब वाला जो केस है एक्सपेरिमेंट वाला बड़ा स्ट्रांग है और उसमें मैं पूरी थ्योरी को समेट लेता हूँ, और वही प्रैक्टिकल आपको इसलिए टीचर कराते हैं। प्रैक्टिकल क्यों कराते हैं स्कूल में? इसलिए कि जब आप बच्चा प्रैक्टिकल कर लेगा तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको थ्योरी आ जाएगी। प्रैक्टिकल कर लिया तो नई चीज़ बना लेगा, सवाल भी लगा लेगा, पर बैड लक ये है कि आपके स्कूल में यही नहीं हो रहा है। और हमारे देश में विकास तभी होगा, तरक्की तभी होगा जब फिजिक्स का लेबोरेटरी शुरू होगा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपने फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं किया है ना बच्चों, तो कुछ नहीं समझ आता। आप कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हम फिजिक्स के टीचर हैं तो फिजिक्स की बात करेंगे कि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। कोई भी कंट्री अगर नंबर वन पे है तो वहाँ के बच्चे एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले हैं, और हमारे यहाँ बैड लक है अपने देश में है कि यहाँ पे यही नहीं होता। और आप जब यहीं से बीटेक जाते हो, यहीं से जब बीटेक के कॉलेज में जाते हो, यहीं से जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ का माहौल अलग है। दो घंटे आपका क्लास होता है, मेडिकल की बात कर रहा हूँ, दो घंटे आएंगे तो मेडिसिन पढ़ा देंगे, क्लिनिकल पढ़ा देंगे दो घंटे, इसके बाद चार घंटे छः घंटे बोलेंगे जाओ लैब करो। वहाँ लैब ही इम्पॉर्टेंट हो गया। इसलिए प्रैक्टिकल वाला जो भी चीज़ आपको दिखे कहीं भी, उसे समझने का प्रयास ज़रूर करना, उसमें पूरी फिजिक्स रहती है। अब चलिए, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना, इधर सुनना है। अब हम दोनों को कैसे डिस्कस करेंगे समझा रहा हूँ। ये चैम्बर बनाया, ये चैम्बर है, और इस चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसी में चार्ज पार्टिकल को मेरे को प्रोजेक्ट करना है। अब देखो नीड क्या है कि चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, तो हाथ से तो फेंकेंगे नहीं, तब हमें कोई अरेंजमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे कि चार्ज पार्टिकल चले। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरा चैम्बर बना रहा हूँ, ये वाला। ये दूसरा चैम्बर है, बच्चों सुनो, इस दूसरे वाले चैम्बर में
इसका नाम क्या, इस चैम्बर का नाम है कुछ, इसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको टीचर लोग जब प्रैक्टिकल कराते हैं लैब मैनुअल, तो वहाँ पे कहते हैं कि तुम वेलोसिटी सेलेक्टर में फील्ड कितना लगाए हो वो बताओ। तो यही चैम्बर का नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर। इसका थोड़ा कलर चेंज करें। बच्चों एक मिनट वेट करो, थोड़ा सा रुको रुको रुको, एक मिनट रुके रहो, अभी रुक जाओ, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा वेट करके आप लोग हड़बड़ाना नहीं। यहाँ पे मैंने ये दो प्लेट लगाया, पहले भी बनाया था लेकिन पहले गड़बड़ी क्या हो गई थी कि फील्ड अंदर डेवलप करना था और हम प्लेट चैम्बर के बाहर लगा दिए थे, देखा था। तो बाहर से मतलब है कि अंदर से, बाहर तो दुनिया में बहुत कुछ है मेरे किस काम का, हाँ हमारे पास जो है वो काम का है ना, तो अंदर फील्ड होना चाहिए, इसलिए प्लेट अंदर होना चाहिए, अभी अंदर होना चाहिए। अब ये प्लस है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके अंदर फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है मैंने, मान लो कुछ वोल्ट तो देना ही पड़ेगा, मान लेते हैं वी वोल्ट है, और इसके बाद बच्चों इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना ही पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है। अब सुनो, ये चार्ज पार्टिकल मैंने रख दिया और इधर की तरफ वेलोसिटी वी हो गया, इधर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई हो गया, जगह तो है, एफ ई का मान लिख दिया जाए क्यू ई है, और इसके बीच का सेपरेशन, कैपेसिटर वगैरह पढ़ के ही आ रहे हो तभी मैग्नेट पढ़ रहे हो, इसके बीच का जो सेपरेशन है उसे हम डी मान लें। ओके बच्चों, अब एक बात बताना, अब यहाँ पे फील्ड किधर है, लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहा हूँ, फील्ड अंदर है, मोशन इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इधर है, बताइए है कि नहीं, इधर मैग्नेटिक फोर्स इधर है, क्या है, क्यू वी बी, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे है क्यू वी बी, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है बी। बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर की बात हो गई, फॉर वी बराबर कांस्टेंट, एफ ई मस्ट बी इक्वल टू एफ एम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और डायरेक्शन उल्टा है तो आप बच्चों थोड़ा बैच के हिसाब से, हमें इतना स्लो बात नहीं लिखना था, हमें पहले ये बात लिखना था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का कारण क्या है, नेट फोर्स जीरो, लॉरेंज फोर्स जीरो, कौन सा फोर्स जीरो, लॉरेंज फोर्स, अगर लॉरेंज फोर्स जीरो हो गया तो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या बताया, चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रिया होना, कोई पूछा कि चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका आंसर है लॉरेंज फोर्स मस्ट बी जीरो, वो जीरो दिखा दिया, लॉरेंज फोर्स जीरो हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ ई बराबर माइनस एफ एम, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एंटी पैरेलल होना चाहिए, है वहाँ पे है, इसलिए आप यहाँ लिखोगे मैग्नीट्यूड क्यू ई बराबर क्यू वी बी। बच्चों क्यू पे डिपेंड नहीं किया और वी का मान ई अपान बी, जाके घर पे देखना, नीट वाले बच्चों से यही एक सवाल पूछता है, उनका सवाल आउट हो गया, उनको यही पूछता है कि बताओ इस चैम्बर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इतना है और चार्ज पार्टिकल की कितनी स्पीड होगी, वी का मान क्या होगा, या कोई भी रिजल्ट पूछ ले, यहाँ से निकाल सकते हो। अब बच्चों वी और ई और बी में ये है रिलेशन, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ई पैरेलल है किसके, वी क्रॉस बी के कि बी क्रॉस वी के, ई पैरेलल टू,
समय ज़्यादा लगा दिया। आपका जो नेचर है उसमें समय ज़्यादा नहीं लगना था। मैंने कहा ई पैरेलल है किसके? बच्चों आपका मन में ये आना चाहिए, जो मन में आ रहा है चले मेला घूमने, ये आना चाहिए था कि दोनों का वैल्यू सम जीरो हो गया है। और जब सम जीरो हो गया है तो ई बराबर माइनस वी क्रॉस वी हो गया है। और हमने कह रहा कि ई किसके पैरेलल है, तो ई बराबर वी क्रॉस बी हो रहा है। तो ई पैरेलल किसके हो गया? वी क्रॉस बी। एक सवाल तो ये भी है कि किसके कौन पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया, वी क्रॉस बी पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो ई वी और बी का ये रिलेशन है। ये सब थ्योरेटिकल फिजिक्स है, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स है जो आप लोग बोलते हैं कि सर थ्योरी नहीं आती। कैसे आएगा? जब समझोगे तब आएगा ना। यहाँ ये तो आएगा नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स से संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित व्याख्या, वो वाले मास्टर तो पढ़वा देते थे, लेकिन अब यहाँ तो ये सब आता है कि बाल का खाल, यहाँ तो बाल का खाल पढ़ना है कि आया तो कैसे आया, कहाँ आया, क्यों आया, यही अंतर है। तभी आप जब सिलेक्शन लेते हैं तो सारे लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इसने काफ़ी बाल का खाल निकाला है तभी सिलेक्शन पाया है। इसलिए सीखना है, हर जगह ढूंढना है, यही सिलेक्शन का तरीका है। अब बताओ ये बात इतना समझ आ रहा है? वेलोसिटी सिलेक्टर की बात हो गई, ये रिजल्ट हमारे पास है। वी का मान क्या होगा? ई अपान बी। इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। इस चैम्बर का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। कहीं लिख दो दाएं बाएं जगह हो तो, यहीं लिख देता हूँ वेलोसिटी सिलेक्टर। वर्ड यूज़ किया गया है किताब में, तो नहीं जानते रहेंगे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ये सिलेक्टर वेलेक्टर कहाँ से आ गया। अब चलो आगे बढ़ो। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चार्ज इसमें जाना है, कौन सा चार्ज आप देखोगे, पॉजिटिव चार्ज देखोगे कि नेगेटिव चार्ज देखोगे, आप पे डिपेंड करेगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चलना तो इसको ऐसे ही है, क्योंकि माइनस क्यू दोनों तरफ होगा, माइनस तो हट जाएगा, कहानी तो वही बनेगी। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और दोनों इसी तरह से चलेंगे, यहाँ तक साथ साथ आएंगे, यहाँ तक साथ साथ आएंगे। जैसे कोचिंग क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो भी हैं और जो घूमने वाले हैं वो भी हैं, साथ साथ आए हैं, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा बता ही रहा हूँ। अब यहाँ तक चले आए साथ साथ, अब इसके बाद बच्चों साथ तो छूटना तय है। अगर दो अलग अलग तरह के लोग हैं तो कैसे साथ रह सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ से अलग हो ही जाएंगे। अब वहाँ से एक फील्ड ख़त्म हो गया, कौन वाला? इलेक्ट्रिक। अब केवल बचा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक अपना कारनामा दिखाएगा, दोनों पे फोर्स लगना है, दोनों पे वेलोसिटी इधर है, दोनों पे वेलोसिटी इधर है। लेफ्ट हैंड यूज़ करें, पहले हम पॉजिटिव वाली की बात करेंगे। फील्ड अंदर है, ये फील्ड है ना, और ये मोशन है पॉजिटिव का, करंट भी वही है, फोर्स इधर आ गया। चलो ये इधर लग गया, इधर इधर फोर्स लग गया, और जैसे ये फोर्स लगा वैसे ही ये सर्किल में घूमा, वैसे ही ये पार्टिकल बच्चों कहाँ घूमेगा? सर्किल में। और सर्किल में घूम के आया, गिरा धड़ाम से, यहाँ टकरा गया, और एक लोग बैठे थे देख रहे थे। जैसे ही टकराया तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, चार्ज थोड़ी उनको दिखेगा आँख से, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वो स्क्रीन चमक गया, और जैसे ही चमका वहाँ पे पहुँचे पेंसिल से चिन्ह बना दिए, और चिन्ह बना के ये डिस्टेंस